तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे साथ सजीर बाइक गुरु है, सजीर भाई है, और अभी हम बजाज डिस्कवर बाइक 100 सीसी का एक फॉल्ट को सही करने जा रहे हैं, जो कि लाइटिंग प्रॉब्लम है। लाइटिंग कभी ऑन होता है, कभी ऑन नहीं होता, जबकि स्विच हम ऑन रखते हैं, रेज देते हैं तो किसी समय लाइट जलता है, किसी समय नहीं जलता है। तो अब हम दोनों भाई दुकान पर बैठे हुए थे, ये भाई घूमने के लिए हमारे पास आए हुए हैं, तो सजीर भाई मेरा मदद कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ और इसके साथ मेरे साथ में सजीर भाई भी मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ लाइटिंग के जो प्रॉब्लम था, थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ, लाइट जो कभी जलता है कभी नहीं जलता है, तो इस बाइक में बजाज की इस तरह की बाइक में जो है एक लाइटिंग कंट्रोलर यूनिट लगा हुआ होता है, तो वो टंकी के नीचे साइड में यहाँ पे होगा, ये देखिए, ये यहाँ पे होता है लाइटिंग कंट्रोलर यूनिट जो है, इसके थ्रू लाइट सप्लाई होता है आगे हेडलाइट तक। अगर ये ख़राब हो जाएगी तो वो लाइट नहीं जल पाएगी, और अगर ये सही है तो फिर लाइट जलेगी। तो इस तरीके से इसको चेक कैसे करना है वो भी आपको बताएंगे आगे वीडियो में। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस साइड में तो एक रेगुलेटर होता है जो बैटरी चार्जिंग में मदद करता है, और यहीं से लाइट भी यहाँ तक पहुँचता है और इसके थ्रू ही लाइट सप्लाई होती है। तो कस्टमर जो हमारे पास खैर आए थे, उसका कहना था एक तो लाइट सही तरीके से नहीं जल रहा है, और रोशनी अगर कभी जलता भी है तो रोशनी में कमी होती है, यहाँ पे हेडलाइट की जो रोशनी है वो कम हो जाता है। तो इसको लेकर मैंने इसको ठीक किया, इसका जो कंप्लेन जो था वो मैंने दूर तो नहीं कर सका, क्योंकि ये सामान बदलना पड़ेगा ये चीज़, और इसे बदल देंगे तभी ये ठीक हो पाएगी। तो हमने अभी क्या किया इसमें आपको बताते हैं, हमने एक काम किया, इस बाइक की जो बैटरी है वो बिल्कुल ठीक है, सेल्फ ले रहा है, तो हमने एक काम ये किया कि इसका जो हेडलाइट है वो डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया मैंने बैटरी के ज़रिए से। अब ये गाड़ी का, इस गाड़ी का जो लाइट है वो बैटरी के ज़रिए से जल पाएगी, और बैटरी का कनेक्शन करने के लिए सिंपल आसान तरीका है इस बाइक का, हम यहाँ से डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइट को, तो यहाँ देख सकते हैं, और इसके साथ ही हमने एलईडी बल्ब लगाया है, ये देखिए ये एलईडी बल्ब हमने लगाया है, यहीं से हम डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं, रात को अगर जलाना रहा तो इस लाइट को हम जला सकते हैं, ये देखिए, ठीक है, इस लाइट को हम यहाँ से जला सकते हैं। इसका कनेक्शन कैसे करना है आपको बता दें, ये देखिए आपको एक ब्रेक स्विच मिलेगा, यहाँ पे जो ब्रेक स्विच होता है इसका एक जो तार होगा, कनेक्शन हम बता रहे हैं, भाई यहाँ देखिए हमने, चलिए आपको सजीर भाई बताएंगे, हम आपको बताते हैं। हर कोई बाइक में इग्निशन ऑन करने के बाद 12 वोल्ट की सप्लाई आता है, तो उसी तरह ब्रेक स्विच में भी हम लोगों का एक 12 वोल्ट की सप्लाई आता है। तो हमने यहाँ से वोल्ट लेकर, और जैसे कि मान लीजिए हम लोग का जो हैंडल बार का जो स्विच है, यहाँ देखिए हम लोग का जो हेडलाइट का इनपुट लाइन है, इनपुट लाइन में हमने क्या है 12 वोल्ट की सप्लाई दे दिया, और जो हम लोग का एसी वोल्टेज है जो इंजन से आती है, रेगुलेटर चार्जर हो गया, उसको हमने बात दे दिया है, क्योंकि हमको डीसी एसी वोल्टेज नहीं लेना है, डीसी वोल्टेज लेना है, हमने डीसी वोल्टेज को कनेक्शन कर दिया और एसी वोल्टेज को हमने बात दे दिया है। यहाँ देखिए यहाँ से वोल्टेज लिया और जैसे कि हेडलाइट की इनपुट में लगा दिया, लगाने के बाद हेडलाइट देने से हम लोग का आउटपुट में जाएगा डिपार स्विच पे, और डिपार में जाने के बाद अपर डिपार काम करेगा। देखिए यहाँ से ऑफ हो गया वन ईयर और डिपार करो बस, तो चलिए लगाते हैं, एलईडी बल्ब लगाया है। हालांकि मैंने इसमें एलईडी बल्ब लगाया, आप चाहे तो हैलोजन को भी रख सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है बैटरी काफ़ी ज़्यादा लो हो जाती है, इस वजह से हम लोग चाहते हैं कि एलईडी बल्ब लगाने से क्या होता है बैटरी जो है जल्दी से चार्ज ख़त्म नहीं होगी, वो लो नहीं हो पाएगी। अब देखिए इसी के साथ मैं आपको बता दूँ ये कंट्रोल यूनिट कैसे काम करता है लाइटिंग के लिए। देखिए अब हम लाइटिंग कंट्रोल के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो ये जो है इसकी जानकारी सजीर भाई देंगे, हालांकि हमें भी जानकारी है, मैं चाहता हूं कि सजीर भाई कुछ बताएं इसके बारे में। तो गाइस इसमें हम लोगों का कंट्रोलर में दिया जाता है चार वायर और दो कपलर, तो अब चार वायर का काम क्या है वो आप लोगों को बताऊँगा, और दो कपलर देने का रीज़न क्या वो भी मैं बताऊँगा। तो चलिए हम आपको शुरुआत करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम आपको बताते हैं ये जो छोटा वाला कपलर है इसमें हम लोग का दिया जाता है जैसे कि दो वायर, एक में हम लोग का ब्लू में जैसे कि वाइट है और ब्लैक में पीला है, तो बॉडी अर्थिंग आएगा एक, जैसे कि आप लोग प्रूफ करके हम दिखा देते हैं। तो ये जो ब्लैक में हम लोगों का जो पीला है पिंक है ये हम लोगों का बॉडी अर्थिंग है, और ये जो हम लोगों का वायर दिख रहा है जो ब्लू में हम लोगों का जैसे कि वाइट कलर की वायर ये मेन पॉइंट है,
ये हम लोगों का जैसे कि यहाँ देख लीजिए RR यूनिट होता है रेगुलेटर से एक वायर जैसे कि यहाँ देखिए दो वायर होता है रेगुलेटर में RR यूनिट में। तो ये हम लोगों का जो जैसे कि आर्मेचर कॉइल से दो वोल्ट आता है दो वायर में, तो ये कहीं अगर बॉडी का साथ संपर्क करे तो हम लोग का टार्चिंग के बहुत पता नहीं चलता है। तो एक दूसरे के साथ अगर हम लोग संपर्क करें तो इसमें हमको पता चलता है। तो ये एक वायर निकल के यहाँ तक आता है, देखिए अब एक वायर इसमें आया और एक वायर में जैसे बॉडी अर्थिंग आया, बस ये कपलर लगा दिया। अब गाइस यहाँ देखिए, ये जो हम लोग का ऑरेंज कलर की वायर है, ये हम लोग का 12 वोल्ट की सप्लाई इग्निशन ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग का रिले होता है, रिले के अंदर एक पॉइंट होता है, पॉइंट जब भी खेलेगा यहाँ से बॉडी अर्थिंग और जैसे कि एसी वोल्टेज लेके इस वायर में हम लोगों को जैसे कि आउटपुट निकल के चले आएगा इस हैंडल बार स्विच में। आने के बाद ऑटोमेटिक हैंडल बार का स्विच जो ऑन करेंगे ऑटोमेटिक आएगा डीपर स्विच पर। तो डीपर स्विच जब हम हाई लो करेंगे तो हेडलाइट में जाएगा और मीटर कंट्रोल में जाएगा और पीछे का बैकलाइट में जाएगा। तो गाइस इसी तरह से कंट्रोलर काम करते हैं। अगर ये ख़राब हो गया तो, अगर मान लीजिए ये ख़राब हो गया तो आप लोग जाँच किस तरह से करिए, तो आप लोगों को दो पॉइंट बताऊँगा 100% आप लोगों को पता चलेगा। तो चलिए दोनों कपलर को आप लोगों को खोलना पड़ेगा, जो ये कंट्रोलर अगर हम लोगों का ख़राब है तो किस तरह से हम लोग जांच करें, चलिए बताते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले चेकअप करेंगे जो एसी वोल्टेज हम लोगों को आ रहा है कि नहीं। तो इस वायर पे हम लोग अटैच करेंगे एक वायर को, और अगर बॉडी के साथ संपर्क करें तो यहाँ फायरिंग नहीं करेगा। तो फायरिंग हम कहाँ चेक करेंगे गाइस, यहाँ देखिए हम लोगों का दो कलर का दो वायर है। तो चलो इसमें आपस में हम लोग संपर्क करेंगे और किक मारेंगे बाइक का। तो चलिए हम किक मारेंगे, अरे यहाँ गौर कीजिए आप लोग, इसी में देखा था ना, वही तो काम नहीं कर रहा है। अच्छा ये यहाँ से कैसे काम करेगा? काम करेगा ये तो, नहीं 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 इसको लगाना पड़ेगा ना, इसको लगाना पड़ेगा, तार बड़ा लग जरूरत है। खुल गया तो खाली हो गया ना, वो खाली हो गया, एक वायर को अटैच करना पड़ेगा। अच्छा तुम कहाँ बताइए, ठीक है अपना करके मैं दिखाइए। अच्छा ठीक बता दीजिए। अच्छा ठीक है बता देता हूँ, एक तार यहाँ खींच लेना है, दोनों में टच कीजिएगा तो इसमें स्टार्ट करेगा, चिंगारी देगा। अच्छा ठीक है। तो गाइस इस वायर को अगर आप लोग यहाँ देखिए एक का साथ अगर संपर्क करिए तो यहाँ फायरिंग आना चाहिए। तो फायरिंग अगर किक मारेंगे तभी, ये डीसी वोल्टेज नहीं आएगा, एसी वोल्टेज आएगा। अगर किक मारेंगे तो यहाँ हम लोग का चढ़ करेगा, तो चढ़ करेगा ना तो आपको समझना है एसी वोल्टेज सही आ रहा है। अब दूसरा स्टेप हम लोग का बॉडी अर्थिंग चेकअप करना है। बॉडी अर्थिंग किस तरह से चेकअप करें, मल्टीमीटर को कंटिन्यू पे करें, करने के बाद हम लोग यहाँ चेकअप करेंगे। देखिए बॉडी अर्थिंग हम लोगों का बराबर आ रही है। अब सवाल है 12 वोल्ट की सप्लाई भी यहाँ चेक करेंगे, तो चलो 12 वोल्ट की सप्लाई हम लोग देख लेते हैं। अब ऑरेंज कलर की जो वायर है गाइस, इसमें हम लोगों को इग्निशन ऑन करने के बाद ऑटोमेटिक 12 वोल्ट की सप्लाई आएगा। तो यहाँ देखिए 12 वोल्ट की सप्लाई भी मिल रहा है। तो गाइस 12 वोल्ट की सप्लाई और जैसे कि एसी वोल्टेज, बॉडी अर्थिंग, ये तीन चीज़ इनपुट अगर सही रहे और हम लोगों का जो ये कंट्रोलर अगर सही रहे तो ऑटोमेटिक हेडलाइट जलना चाहिए। अगर नहीं जल रहा है तो कोई कारण से ये हम लोगों का जो कंट्रोलर है ये ख़राब हो चुकी है, इसको चेंज करना है। तो गाइस यही था वीडियो। तो गाइस देख लिया आपने कि इस बाइक को हम दोनों ने मिलकर सही किया। हालांकि अब ये ना सोचना भाई कि कासिम मोटो इसके बारे में नहीं जानते हैं, जानकारी है मुझे, पर सजीत भाई ने कहा कि नहीं मैं भी काम करके देखने वाला हूँ आपकी दुकान पर कैसा काम लगता है करने में। तो दोनों ने मिलकर ये काम किया। और तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और भाई के चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।